हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फोटोशॉप CS2 में फायर इफेक्ट कैसे बनाएं। तो स्वागत है दोस्तों आपका प्राइम टेक हिंदी में। दोस्तों, फायर इफेक्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे कलर चुनना है ब्लैक एंड वाइट। बैकग्राउंड में ब्लैक कलर होना चाहिए और फोरग्राउंड में हमें वाइट कलर चुनना है। इसके बाद हमें इंसर्ट करना है एक नया पेज, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। Ctrl+N दबाने से यहाँ पे नया पेज के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम साइज़ ले लेते हैं 1024x768 और आपको प्रेस करना है ओके बटन। यहाँ पे एक पेज इंसर्ट हो गया है। अब इस पेज में हमें ब्लैक कलर फिलअप करना है। तो ब्लैक कलर फिलअप करने के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर अगर आपको पेज में भरना है तो Ctrl+Delete बटन प्रेस करना है। इसके बाद हमें चुनना है यहाँ से टेक्स्ट टूल हम यहाँ चुनेंगे और पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें अपना टेक्स्ट टाइप करना है जिसमें हमें फायर इफेक्ट लगाना है। मैंने यहाँ पे टाइप किया इंडिया और यहाँ पे हम राइट की साइन क्लिक कर देंगे। अगर हमें इस टेक्स्ट की एडजस्टमेंट करना है तो हमें प्रेस करना है Ctrl+T। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और यहाँ से इसकी मैंने साइज़ थोड़ी सी बड़ी की। इंटर बटन प्रेस करने से डी सेलेक्शन हो जाएगा, यानी जो हमें सिलेक्शन दिखाई दे रहा है वो हट जाएगा। अब बैकग्राउंड पे हमारा ब्लैक कलर है और इंडिया हमने टेक्स्ट लेयर ले रखा है यहाँ पे। इसके बाद हमें डुप्लीकेट करना है टेक्स्ट लेयर को, तो Ctrl+J कमांड से डुप्लीकेट होता है। और कॉपी लेयर को हमें क्लोज करना है और सेलेक्ट करना है ओरिजिनल टेक्स्ट लेयर। इसके बाद हमें जाना है इमेज मेनू, यहाँ पर ऑप्शन आता है रोटेट कैनवस और यहाँ हमें चुनना है 90°CW। फिर हमें जाना है फिल्टर, यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टाइलिश, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है विंड। ओके बटन प्रेस करने के बाद यहाँ से हमें चुनना है फ्रॉम द लेफ्ट और ओके बटन प्रेस करना है। इसके बाद हमें प्रेस करना है Ctrl+F 1, 2, 3, 4 टाइम। टेक्स्ट को सीधा करने के लिए दोबारा हमें जाना है इमेज मेनू में, फिर रोटेट कैनवस का ऑप्शन आएगा। अब हमें चुनना है 90°CCW। अब हमें इसको ब्लर करना है तो फिल्टर मेनू में यहाँ ब्लर का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे गेजन ब्लर का ऑप्शन आएगा। रेडियस भरेंगे हम इसमें 3.2 और ओके बटन करना है प्रेस। इसके बाद हमें बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को Ctrl+J से डुप्लीकेट करेंगे और टेक्स्ट लेयर पे आके मर्ज करना है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। अब हमें जाना है फिल्टर मेनू में, यहाँ पे ऑप्शन आता है लिक्विफाई का। Ctrl+ से हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है फॉरवर्ड रैप टूल और ब्रश की साइज हमें रखनी है यहाँ पर 75। टेक्स्ट को छोड़ के ऊपर का जो एरिया है इसमें से हमें फायर निकालना है। इस तरह से हम पूरे पे कर लेते हैं। फिर एक पे करते हैं हम, जितना आप ऊपर करेंगे उतना अच्छा बन के आएगा। ब्रश के साइज अब हमें 35 करना है। हमें टेक्स्ट में से बीच बीच में से निकालना है इस तरह से। अब डी से निकालते हैं थोड़ा, देन आई से। अब हम यहाँ से ओके बटन प्रेस करेंगे। कलर भरने के लिए हमें यहाँ पे जाना है क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। यहाँ पे हमें ऑप्शन आएगा UN, इस पर क्लिक करेंगे और कलराइज पे हमें क्लिक करना है। ह्यू हमें भरना है इसमें 40 और नीचे वाले ऑप्शन में भरना है हमें 100। देन हमें ओके बटन प्रेस करना है। दोबारा हमें क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर पे जाना है, ह्यू एंड सैटुरेशन पे जाना है
और अब हमें कलराइज पे क्लिक नहीं करना, यू में भरना है -25, देन ओके बटन प्रेस करना है। ब्लेंडिंग मोड में जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम बदल के करेंगे ओवरले, और कॉपी लेयर की आइज़ को यहाँ पे ओपन करना है। देन हमें जाना है लेयर स्टाइल, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ग्रेडियंट ओवरले, फिर ग्रेडियंट पे हमें जाना है और यहाँ से डाउन में क्लिक करना है, और यहाँ से हम वो कलर चुनना है जो हमें टेक्स्ट में भरना है नीचे की तरफ, जैसे मैंने यहाँ से ये ले लिया। देन हमें ओके बटन प्रेस करना है और यहाँ पे हमें ओके बटन प्रेस करना है। कुछ इस तरह का इफेक्ट बन के आएगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।